अरुणाचल फिल्म टेक वन जो ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगा मामो अपन उसको ऐसा जादू का झप्पी देगा ना एक नहीं पचास कितना क्विकली ऐड है दैट जो कैंपेन डिजाइन की गई है और जो कैंपेन अप्रूव की है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल स्पीकर ने वो इसी पॉइंट से दैट द पीपल शुड नो अबाउट अरुणाचल प्रदेश नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड and the tourism and the beautiful locations, the landscapes, the food, the cultural diversity that the state offers, you know, the sporting locations that the state offers, everything is going to be, and the infrastructure as well, that is going to be covered in this campaign. And the thrust is going to be on that. And we are so happy and proud and privileged that we are a part of this. And, you know, the dynamic CM and the Honorable Speaker are doing great. But with this campaign, it will get even better. Bollywood producers are always selecting abroad countries for their shootings and all, but Northeast has so much potential, especially Arunachal, and so many locations are there. So what you will do regarding this promotion, because Bollywood film should come here for shooting? See, this is the basic idea is to offer this as a location for not only vacation, sporting, but also for film shoots. And you know, I've been constantly looking, and same with Sanju ji as well. हम लोग हमेशा नई लोकेशंस ढूंढते हैं और मेरी तो हर फिल्म के अंदर जो हीरो होता है वो लोकेशन होता है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लोकेशन सो डेफिनेटली आई थिंक आफ्टर दिस कैंपेन एक जागृति बढ़ेगी लोगों को पता लगेगा और 100% लोग आएंगे यू बेटर बी प्रिपेयर्ड बिकॉज देयर गोना बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फिल्म शूटिंग्स आफ्टर अ कैंपेन फॉर श्योर प्रदेश वे बैक इन 1972 जब हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश का नामकरण हुआ और यूनियन टेरिटरी जब डिक्लेयर हुआ सो हम लोग ने तय किया कि ये वन मंथ सेलिब्रेशन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 20th जनवरी नेक्स्ट ईयर 2022 टिल आवर स्टेट्यूट डेट दैट इज 20th फरवरी 2022 तो इस वन मंथ लॉन्ग में हम लोग ने असेंबली में भी डिस्कस किया और सभी एमएलएस लोग ने भी डिस्कस करके वी हैव यूनानिमसली प्रपोज आवर ऑनरेबल स्पीकर टू बी द चेयरमैन ऑफ दिस सेलिब्रेशन और वो मेन बॉडी के अंतर्गत में फिर बहुत सारा सब कमिटीज भी गठन किया गया है तो इसका अभी मेन हम लोगों का मोटिव ये है कि सिंस अरुणाचल इज़ ए वेरी बिग स्टेट जिसमें बहुत सारा ट्राइब्स भी बसे हुए हैं तो टू फील द पैन अरुणाचल थिंकिंग प्रोसेस ताकि उस प्लेटफॉर्म से सबको यूनाइटेड करके लेके जा पाएगा तो अकॉर्डिंगली कमिटी हैज़ डिसाइडेड दैट द अर्सवाइल 5 डिस्ट्रिक्ट जो हुआ करता था उन सभी अर्सवाइल जो हेडक्वार्टर है उसमें पूरा सेलिब्रेशन होगा और जिसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ यूथ लोगों को इन्वॉल्व करके बहुत सारा एक्टिविटीज़ किया जाएंगे कल्चरल इवेंट्स स्पोर्ट्स इवेंट्स लिटरेरी का कंपटीशंस वगैरह और जिसमें से ड्रग्स भी एक इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर भी डेलिब्रेशंस किया जाएगा तो इसके चलते ऑनरेबल स्पीकर साहब का कमेटी ने ये निर्णय लिया कि इसका एक तो ब्रांड एम्बेसडर होने से ठीक है और अकॉर्डिंगली कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू रोप इन मिस्टर द बॉलीवुड फेमस एक्टर मिस्टर संजय दत्त तो आज यहाँ मेचुका में संजय दत्त यहाँ पे आए हुए हैं और कल से ही उनका जो शूटिंग वगैरह है वो शुरू हो गया है तो शूटिंग होने के बाद आई थिंक द मीडिया लॉन्च विल बी ऑन द फर्स्ट डे दैट इज़ ऑन 20th जनवरी 2022 नेक्स्ट ईयर